हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला यहाँ पे रेडमी नोट 4 के ऑफिशियल कॉर्वस ओएस का 4.7 अपडेट आ चुका है एंड्रॉयड 10, और इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और यहाँ पे सारे फीचर्स के बारे में जो है मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो और रिकॉर्डर जो है उसके बारे में भी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो ले, क्योंकि यूट्यूब का प्रॉब्लम हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं जाता कभी कभार, तो इसके चक्कर में दिक्कत हो जाए, तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन में, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। कॉर्वस ओएस का 4.7 ऑफिशियल रोम है। 5 अप्रैल 2020 की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाती है। कॉलिंग हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बोल्टी 4G जो कि हमारा यहाँ पे जियो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। एंड कैमरा आपको यहाँ पे एक भी देखने को नहीं मिलता है स्टॉक में, ये कैमरा जी कैम जो है मैं अलग से इंस्टॉल किया, बाकी FM हमें मिल जाता है। म्यूजिक प्लेयर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, म्यूजिक प्लेयर थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा। बाकी हमारा जो कि जे कैम की बात करें, तो जे कैम जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करे विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे इसको। तो जैसा कि देख सकते हो, कोई भी दिक्कत फिलहाल इस जे कैम में हमें देखने को नहीं मिलती, और इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्टेटस बार की बात करें तो एंड्रॉयड आर का यहाँ पे आपको स्टेटस जो कि नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड हमारे बात करते हैं जो कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर एंड FPS इन्फो जो की, तो सबसे पहले FPS इन्फो जो कि ऐड किया गया हमारे टॉगल्स में, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जो है काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बात करते हैं हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो स्क्रीन रिकॉर्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉयड आर वाला, जिसमें आपको इंटरनल साउंड भी देखने को मिल जाता है। तो ये अगर आप स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करें, कभी कभार आप स्टॉप करोगे तो ये सिस्टम UI इसकी रिस्टार्ट हो जाती है फ़ोन की, तो ये एक दिक्कत है, बाकी इंटरनल सही से काम कर रहा है। एंड वॉल्यूम पैनल मेन जो फीचर यहाँ पे ऐड किया गया, वॉल्यूम पैनल अगर आप देखो तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम पैनल आपको अभी तक का एंड्रॉयड 10 में रोम में देखने को मिलेगा नोट 4 में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टैप करते वाइब्रेशन भी एक होता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। एंड नीचे आपको लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम पैनल जो कि काफ़ी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉर्वस इसकी अपडेट में। एंड इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे तो कॉर्वस पार्ट मिल जाता है, जैसे सोमी पार्ट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप कॉर्वस पार्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर MI साउंड एनहांसर देखने को मिल जाता है, जो कि वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका। नीचे FPS इन्फो ओवर लेयर जो कि मिल जाता है हमें यहाँ पे, बाकी और यहाँ पे आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती है एंबिएंट डिस्प्ले की, एंड LED ब्राइटनेस आपको मिल जाता है, एंड टॉर्च का भी दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कस्टम रोम्स में येलो जलती है एंड वाइट का भी आपका, अगर आपको वाइट जलाना तो आप यहीं से जो है कंट्रोल कर पाओगे, येलो को ऑफ कर सकते हो, या फिर येलो जलाना तो येलो भी बढ़ा सकते हो। एंड आपको वाइब्रेशन स्ट्रेंथ भी आपको नीचे देखने को मिल जाती है। एंड बात करते हैं यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन पैनल हमें देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन सेटिंग जिसके अंदर आपको एज लाइटिंग का वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। एंड ब्लिंक फ्लैश लाइट ऑन कॉल के लिए मिल जाता है। मिसलेनियस के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी नॉर्मल सारी सेटिंग्स देखने को हमें मिलने वाली है। लॉक स्क्रीन के अंदर, लॉक स्क्रीन आइटम्स के अंदर आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल मिल जाता है, म्यूजिक। और यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो कि बैटरी ऑप्शंस, एंड नीचे हमारा जो देखने को मिल जाता है क्विक सेटिंग्स। क्विक सेटिंग्स के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कि इमेज हेडर हमें देखने को मिल जाता है, हेडर इमेज, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, कुछ न्यू यहाँ पे जो है हेडर ऐड किए गए हैं, जो कि हमारा नारुतो है फर्स्ट, तो यहाँ पे और भी एक दो जो है यहाँ पे न्यू ऐड कर दिए गए हैं, तो उनका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपको जो है ये चेंज भी होता रहेगा, फोटो जो है आपको हेडर पर देखने को मिलती है और चेंज भी होती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से उसी को टैप करता हूं, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो फोटो जो है चेंज होते रहते हैं। आपको यहाँ पे जो है बस टाइम वेस्ट कर देना इसको, तो ये जो है बिल्कुल आपकी फ़ोटो जो है हर टाइम अपने टाइम के हिसाब से जो है ये चेंज करता रहेगा। बाकी यहाँ पे आप कस्टम इमेज भी जो है लगा सकते हो, तो इस कस्टम इमेज लगा पाओगे बिना किसी दिक्कत के। एंड नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो है लास्ट हार्डवेयर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है बटन सेटिंग्स, जिसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है नेविगेशन बार, और यहाँ पे हमारा ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार जो कि यहाँ पे पिक्सल से पोर्ट किया गया है यहाँ पे नेविगेशन बार को, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम करो, काफ़ी स्मूथ भी है यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो हार्डवेयर बटन है वो डिसेबल हो जाती है इसको इनेबल करने के बाद। यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर भी, जो कि जेस्चर हमारा जेस्चर नेविगेशन है, वो हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ये भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। फिलहाल हम ये भी इसको डिसेबल कर देते हैं, बाकी
यहाँ पे जो है हमारा हार्डवेयर बटन ही मिल जाता है हमें, तो हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है पावर मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पावर मेन्यू एनिमेशन देखने को मिलते हैं, एंड नीचे एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है हमें यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पे थीम्स, जो कि थीम्स के बारे में तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, यहाँ पे पहले से ही आपको देखने को मिलती है ये सारी सेटिंग्स। एंड बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी, बैटरी चार्जिंग वार्निंग एंड स्मार्ट चार्जिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे 61% बैटरी बचती है 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे मूवी प्ले करने के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप डेली लाइफ नॉर्मली यूज़ करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि हमारा डिस्प्ले सेटिंग्स है, तो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो कि डिस्प्ले सेटिंग है, उसके अंदर कस्टम ऑप्शन है, इसके अंदर हमें जो है ऑलवेज ऑन का फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें फ़िलहाल अभी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को हमें मिल जाते हैं। और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर ही देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नीचे आपको डबल टैप टू बैक मिल जाता है, जो कि काम कर रहा है। गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस मिल जाता है। एंड हमारा जो कि यहाँ पे साउंड है, तो साउंड के अंदर आपको यहाँ पे नॉर्मली सारी सेटिंग्स जो कि देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन जो कि दिया गया है यहाँ पे हमें। और हमारा जो हो गया है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले पैटर्न दिखा दें यहाँ पे हमारा, जो कि फिंगरप्रिंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है इसे ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिंगरप्रिंट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एंड्रॉइड 10 वाला वन टैप इशू है, बाकी फिंगरप्रिंट हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नीचे आपको यहाँ पे आपको साइड में सेटिंग्स जो कि हमारी मिल जाती है स्क्रीन लॉक की, एंड नीचे हमें स्मार्ट लॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये तीन ऑप्शन देखने को हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और बात करते हैं हमारा जो कि डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, जी ऐप अगर आप फ्लैश करते हो तो आपको डिजिटल वेलबिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड नीचे हमारा सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ भी जेस्चर सेटिंग मिल जाती है, जिसके अंदर जंप टू कैमरा रिंगिंग एंड एडेप्टिव प्लेबैक देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। और नीचे हमारा डेवलपर ऑप्शन एंड N22 बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 97,918 आपको N22 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। और पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है चल रहा है, तो फिलहाल काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमारा यहाँ पे पबजी चल रहा है, पबजी में दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगी। जायरो के साथ भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, जायरो भी सेंसर जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप पबजी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे खेल पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉलेशन तो मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इंस्टॉलेशन नॉर्मली है, आपको वही रोम फ्लैश करना है एंड उसके बाद जीएफ फ्लैश कर देना है, इजी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे हमारे आ सकते हो, पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दूँगा किस तरीके से जो है फ्लैश करना है। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे, जो बग्स थे यहाँ पे, फीचर्स जो थे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।